दोस्तों क्या सच में आरती को सांप काट लिया है? दोस्तों क्या है पूरा सच्चाई और क्या है इसका अंदर का सच, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे और दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ऐसे ऐसे थंबनेल जैसे इसको देख लीजिए, जैसे इसको देख लीजिए और जैसे इसको देख लीजिए, जैसे इसको देख लीजिए। दोस्तों ये सारा थंबनेल स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन इस सब में बहुत बड़ा झोल है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आरती कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और वो अभी फिलहाल सही भी हो गया है। जीरा वगैरह कोई सांप वगैरह नहीं काटा था, बस उनको कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया था। और दोस्तों वहीं से वीडियो वायरल होता है और इन सारे यूट्यूबर के पास पहुंचता है और ये सारा ऐसा ऐसा कारनामा करते हैं जो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों क्यों करते हैं ये लोग ऐसा, आइए आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों ये तो समझ गए हैं कि भाई ये सब फेक है, उसका तबीयत खराब था, लेकिन उसका फ़ायदा ये यूट्यूबर लोग उठाए। दोस्तों बहुत अच्छा पैसा भी कमाए होंगे जो स्क्रीन पे थंबनेल देख रहे हैं। दोस्तों ये लोग ऐसे करने का मजबूरी है। दोस्तों जैसे अगर लिखेगा कि आरती का हुआ तबीयत खराब, तो ये आप तो क्लिक नहीं कीजिएगा, आप तो देखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, लेकिन दिमाग ऐसे लगाया जाता है और व्यू भी देख सकते हैं भाई कितना कितना व्यू है। तो कोई भी व्यू लाने के लिए और पैसा कमाने के लिए ऐसा तरीका अपनाता है और थोड़ा सा दिमाग लगाता है। दोस्तों अगर आप ऑडियंस एज ए ऑडियंस देख रहे हैं तब तो आप आराम से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूबर है, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, तो ऐसा दिमाग आप भी लगाइए और कुछ नया कीजिए। और ये नहीं कि आप एकदम फेक दिखाने का प्रयास करें। दोस्तों क्लिक बेट होता है, लेकिन अच्छे चीज़ों को दिखाइए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो सांप वाला मीटर था आरती का फेक था, बस कुछ नहीं हुआ था, उसको कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए हॉस्पिटल में बहुत दिनों का वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए और कमेंट में जाके एक प्यारा सा अपना राय दे दीजिए। फिर मिलते हैं अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।